इस मूवी की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता है। पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होगा, हम ये आज की वीडियो में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग जूलियट नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है और इसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था जिसकी वजह से वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। अगली सुबह जूलियट रेंट पर एक घर देखने के लिए जाती है, लेकिन वह घर बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जूलियट को वो घर पसंद नहीं आता। इसके बाद जूलियट का एक फ़ोन आता है जो कि किसी दूसरे घर के मालिक का था, और जूलियट जब उस घर को देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात घर के मालिक मैक्स से होती है। अब जूलियट को जो घर दिखाया जाता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिस पर जूलियट को लगता है कि उसका रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैक्स उसे बहुत कम रेंट बताता है। और रेंट कम होने की वजह थी कि घर के पास से ट्रेन गुजरती हैं जिसकी वजह से काफ़ी शोर होता है, लेकिन जूलियट को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो मैक्स का घर रेंट पर ले लेती है और अगले ही दिन वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद हम रात को जूलियट को सोते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पर जूलियट को किसी के होने का एहसास होता है, और जब जूलियट उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वो फिर से सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी हमें खिड़की के पास किसी का शैडो नज़र आता है जिसका मतलब कि वहाँ पर कोई सच में था। अब अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके आती है तो उसे घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है। उसे लगता है कि ये गिफ्ट मैक्स ने दिया होगा तो मैक्स को थैंक्स बोलती है, तो मैक्स उसे बोलता है कि मेरा काम नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर का है, जिस पर जूलियट उसके ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलती है। अब अगले दिन जूलियट एक पार्टी में होती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से मैक्स से होती है, और ये दोनों इस पार्टी में काफ़ी बातें करते हैं और साथ में घर आते हैं, और घर जाते टाइम रास्ते में इन्हें एक शख्स देख रहा होता है जो और कोई नहीं बल्कि जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड है और इसका नाम जैक होता है। इसके बाद जूलियट जब घर पहुँचती है तो मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स इसके लिए मना कर देता है, जिस पर जूलियट उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट से पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगता है और उसे अपने घर में डिनर पर इनवाइट करता है। और रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तो जूलियट मैक्स को कहती है कि आज उसे बहुत दिनों बाद फैमिली जैसी फीलिंग आ रही है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। और डिनर ख़त्म होने के बाद जब जूलियट वहाँ से जा रही थी तो फिर से मैक्स को किस करती है, लेकिन इस बार मैक्स उसे नहीं रोकता। और इससे पहले कि दोनों आपस में कुछ करें हमें मैक्स की स्टोरी दिखाई जाती है, और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल में आया था, और यहाँ पर मैक्स पहली बार जूलियट को देखता है और उसे पता चलता है कि जूलियट रेंट पर घर तलाश कर रही है, और इसीलिए उसने जानबूझकर जूलियट को कॉल की थी, मतलब कि जूलियट को पहले से ही जानता था और यहाँ पर जूलियट को लाना उसका ही प्लान था। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मैक्स ही उस रात जूलियट को सोते हुए देख रहा था। असल में मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो जब चाहे किसी के भी कमरे में आ जा सकता था, और इन सारी चीज़ों से हमें यही समझ आता है कि मैक्स की नीयत जूलियट को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जूलियट और मैक्स जब साथ होते हैं तो जूलियट कहती है कि अभी उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ और टाइम देना चाहिए, जिस पर मैक्स भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। अब इस सब के बाद हम अगली रात का सीन देखते हैं और जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी वहाँ पर मैक्स आता है और जूलियट को टच करने लगता है, और जब जूलियट थोड़ा सा हिलती है तो मैक्स ये देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूलियट को जैक की कॉल आती है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उसे कहता है कि आज रात का डिनर हम साथ करेंगे, जिस पर जूलियट भी हाँ कह देती है। और जब जैक रात को जूलियट के घर आता है तो मैक्स भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है, और जैक का डॉग भी मैक्स को छुपे हुए देख लेता है और भौंकने लगता है, लेकिन जैक और जूलियट उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और फिजिकल होने लगते हैं, जबकि मैक्स भी छुपकर इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और उसे इस सब पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब कुछ दिन बाद जब जूलियट को हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो जूलियट की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम आजकल बहुत लेट आ रही हो, जिस पर जूलियट को लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, और वो इस सब के बारे में जानने के लिए घर में कैमरा लगवाती है और मैक्स को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं बताती। अब अगले सीन में हम मैक्स और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, और यहाँ पर मैक्स अपने ग्रैंडफादर को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूलियट और उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी हो, मतलब मैक्स जूलियट के पीछे पागल हो चुका है। अगले दिन जूलियट अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें इसे कुछ भी नहीं मिलता, और वो ड्रिंक करने के बाद सो जाती है, और मैक्स उसके ड्रिंक में ही बेहोशी का इंजेक्शन मिलाया करता था। अब जूलियट जब सो रही होती है तो वहाँ पर मैक्स आ जाता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है, लेकिन इसी दौरान जूलियट थोड़ा सा होश में आ जाती है, जिस पर मैक्स उसे फौरन नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है।
अगली सुबह जूलियट फिर से देर से उठती है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए तैयार होने लगती है। तभी बेड के नीचे से उसे सिरिंज की एक कैप मिलती है, जिस पर वो समझ जाती है कि रात को कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपना ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाती है। जबकि दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट के घर में होता है, कि तभी वहाँ पर जूलियट का बॉयफ्रेंड जैक आ जाता है और मैक्स उसकी आवाज़ सुनकर छुप जाता है। जबकि जैक को भी घर में एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है और जब वो उसे खोलकर देखता है कि तभी उसके पीछे मैक्स आ जाता है, मतलब कि जैक की कहानी ख़त्म। और सीन यहाँ से वापस जूलियट पर जाता है जिसे कि अपने टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी, और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स है। इसके बाद वो जल्दी से जैक को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो घर काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन जैक कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद जूलियट घर पहुँचने के बाद कैमरों को चेक करती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैक्स ही उसे ड्रग्स दिया करता था और उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ बहुत कुछ करता था। और यह देखकर जूलियट को बहुत बड़ा झटका लगता है कि तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और जूलियट उसके साथ ऐसा बिहेव करती है कि अभी तक उसे कुछ भी पता ना हो। इसके बाद मैक्स जूलियट को बियर ऑफर करता है, लेकिन जूलियट उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक होता है कि मैक्स ने उसमें भी कुछ मिलाया होगा। इसके बाद जूलियट जैक को कॉल करने लगती है, लेकिन मैक्स उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है क्योंकि उसे भी जूलियट पर शक हो गया था कि जूलियट अब सब कुछ जान चुकी है। अब मैक्स जब जूलियट के करीब जाता है तो जूलियट उस पर चाकू से हमला कर देती है और इसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। इसके बाद मैक्स घर से बाहर जाकर घर को हर तरफ से लॉक कर देता है और जब जूलियट छुपने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर मैक्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूलियट फिर से उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। और भागने के दौरान उसे कील लगाने वाली गन मिलती है जिसे लेकर वो फिर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ पर भी मैक्स आ जाता है और वो जूलियट को मुक्का मारकर गिरा देता है। अब मैक्स जूलियट को मारने ही वाला था कि जूलियट उस नेल गन से उस पर हमला कर देती है और उसे कील मारकर जख्मी कर देती है, लेकिन मैक्स अब भी हार नहीं मानता और जूलियट भी भागकर एक कमरे में छुप जाती है और वहाँ पर उसे जैक की बॉडी मिलती है जिसे देखकर जूलियट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब मैक्स उस कमरे में आता है तो जूलियट उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन मैक्स किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो कील वाली गन अभी भी जूलियट के हाथ में थी जिससे वो मैक्स पर कई बार हमला करती है। मैक्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जूलियट यहाँ से बचकर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।